पता है। हाँ ये अलग क्वेश्चन है, ये तो था लगभग एक जैसा ही, पर क्वेश्चन अलग अलग हम लिए थे। अब इसमें देखिए, पहले से आपको रूट दे रखा है। रूट को हिंदी में बोलते हैं मूल, ठीक है। ये मूल आपको दे रखे हैं, आपको इस समीकरण का मतलब ये मूल किस समीकरण का है आपको बताना है। तो बहुत सिंपल है, पहले इसको रखिए। पहले ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए में चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा x²-3x+10=0। अब बैठाते हैं पहले 5 को, 5 को पुट करते हैं। जब इसको पुट कीजिएगा ना, तो ये हो जाएगा 5²-3 5+10, ठीक है। ये हो जाएगा 25-15+10। अब ये प्लस और प्लस ऐड होता है, ये आपको पता ही होगा। तो ये हो जाएगा, ये तो 0 नहीं आ रहा है, इसको ऐड कीजिएगा ना इसको, तो आ जाएगा आपका 35-15। ये 0 नहीं आ रहा है, ऑप्शन नंबर मतलब कि ये होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में चलते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा बी देखते हैं, ये तो नहीं हुआ, कैंसिल हुआ। ऑप्शन नंबर बी में चलते हैं। ऑप्शन बी है हमारा ये, ठीक है। आपको लग रहा है सेम, पर थोड़ा थोड़ा है डिफरेंस, माइनस प्लस में है अंतर, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, क्योंकि ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं रहता है। चलिए तो देखते हैं, पहले x का वैल्यू 5 बैठाते हैं। तो ये हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25, और इसमें बैठा देते हैं ये। अब ये 25-15-10 चिन्ह सेम है, तो ऐड होगा, काट मत दीजिएगा। चिन्ह सेम होता है तो ऐड होता है, और वो भी बराबर के इधर उधर थोड़े कट जाएगा, इसी तरफ है तो ऐड होगा। ये हो जाएगा 25 मतलब कि 0। चलिए इसका जब ये हो गया, तो इसका जल्दी से बैठा करके देख लेंगे। 2-2 है, उसको बैठा करके देख लेंगे। तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर -3-2-10। इसको जब सोल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 4 और माइनस माइनस प्लस 6-10। क्या ये भी 0 आ रहा है? बिल्कुल 0 आ रहा है। देखिए ये हो जाएगा 4+6 10-10 0, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। आगे ऑप्शन देख लीजिए, बाकी सभी डिफरेंस हैं तो ऑप्शन नहीं होंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा 5 है। इसके बाद आपको सेम क्वेश्चन ऐसा ही आपको देंगे होमवर्क में। हम उसको ये सब नहीं, इसलिए नहीं बताएं क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है, हम जान बुझ करके टफ वाला हम उठाएं, और आपको सेम क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा जो आपको बन जाएगा, आपको दिक्कत नहीं। इसलिए हम ऐसा क्वेश्चन उठाएं ताकि आप लोग से इजी वाला बन जाए, और ये तो हम बता ही दिए हैं। इसको अगर नहीं आएगा तो रिविजन कर लीजिएगा, और इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो अगर आएगा भी ना, तो टाइप से यही रहेंगे, बस आप लोग का डिजिट नंबर वगैरह चेंज रहेगा। तो अगर मेथड पता है तो कोई भी क्वेश्चन आए बन जाएगा, और नहीं तो आपको खाली क्वेश्चन पता है, मेथड नहीं पता है तो नहीं बनेगा। उस टाइम आपका क्या है ना कि कलम ही नहीं चलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में ये रूट्स दे रखे हैं, आपको इक्वेशन चुनना है। तो क्या बोले कि बैठा दीजिए। तो पहले हम ऑप्शन नंबर ए उठाते हैं, ऑप्शन नंबर x²-5x+3 ये ले लेते हैं। यहाँ पर हम पहला x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो देखिए 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे +3, 1 का स्क्वायर 1, और इसको करेंगे इस प्रकार क्या आएगा। अब ये हो जाएगा 2-5+3, ये तो लगता है पहला ही ऑप्शन मिल रहा है। देखिए ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो 5 और ये हो गया -5 मतलब कि 0, मतलब कि सही हम लोग जा रहे हैं। उसको भी बैठा करके देख लेते हैं, एक और बैठाते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, ठीक। आप लोग अगर बताना चाहते हैं तो आपको वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए मिटाते हैं, फिर से बैठाते हैं। आपके x बराबर लेते हैं, 3/2 है, रख देते हैं इसमें 3/2, 3/2² - 5, 3/2 + उधर ये। चलिए तो ये हो जाएगा 2 × ये 9 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 5 × इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ये 5 × 3 = 15 / 2 + 3, ये कट रहा है, काट दीजिए। तो 9/2 - 15/2 + 3, और इसको सॉल्व कीजिएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा, तो हो जाएगा 9-15 + कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है,
वन से डिवाइड करेंगे टू में, टू टाइम्स जाएगा, टू को मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री में सिक्स हो जाएगा। अब देखिए नाइन और सिक्स प्लस में है दोनों, तो ऐड होकर हो जाएगा फिफ्टीन, और ये माइनस फिफ्टीन बटा में टू मतलब कि जीरो बटा जीरो, जीरो बटा टू मतलब कि जीरो, मतलब कि ऑप्शन नंबर हमारा ए ही होगा, सही हम लोग जा रहे थे। ठीक है, बाकी ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसको बैठा करके देखिएगा, नहीं मिलेगा। ठीक, या फिर आप लोग को लगता है कि नहीं होगा तो हम बता देते हैं। देखिए ऑप्शन एक खाली रखिए ना, आपको पता चल जाएगा, एक रख लीजिए। जैसे कि बी में है टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, इसको बैठा कर देख लीजिए, तो टू वन का स्क्वायर प्लस वन माइनस सिक्स, ये हो जाएगा वन का स्क्वायर तो वन ही रहता है, ये वन हो गया, ये वन, ये टू प्लस वन माइनस सिक्स यानी कि थ्री माइनस सिक्स, यानी कि ये नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। उसी प्रकार से भी नहीं, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, अब हम आप लोग को देते हैं होमवर्क। ठीक है, चलिए चलिए, अब ये आप लोग का ये होमवर्क है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कुछ टफ नहीं है, आप इतना बना सकते हैं, जरूर बना सकते हैं, रिवीजन कीजिएगा तो जरूर बनेगा। वैसे टफ वाला क्वेश्चन रूट वाला हम बता दें, क्योंकि हमको पता है कि आप लोग को रूट में होती है दिक्कत, इसलिए हम रूट वाला जितना भी था हम चुन चुन के उसमें बता दिए। अब आप लोग के ईजी वाला है, ये सब देखिएगा बना करके, अगर बनाने में कोई दिक्कत होती है जहाँ पर नहीं समझ में आती वहाँ पर जरूर पूछिएगा, हम उसको बताने का जरूर प्रयास करेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से इसका अभी टाइप टू है, टाइप वन पिछले वीडियो में था, ये टाइप टू है, टाइप थ्री भी आएगा, उसमें आएगा आपका फॉर्मूला वगैरह ये सब आएगा, तो उसमें बताएंगे, तो इसको सॉल्व कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।